सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है एक ईयरफोन जो कि एक गेमिंग ईयरफोन है। और अगर आप भी एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहते हैं और पबजी जैसे गेम को प्रोफेशनली तरीका से प्ले करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट को परचेज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रोफेशनल गेमर के लिए एक प्रोफेशनल ईयरफोन भी ज़रूरी है जो आपको अच्छा साउंड क्वालिटी दे और आप अच्छे तरह से इस गेम को प्ले कर पाएँ। ये सभी चीज़ों में कंपेटेबल है। ये आईफोन पर कनेक्ट हो जाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल पर कनेक्ट होते हैं, लैपटॉप और पीसी पर भी कनेक्ट जाते हैं। इसमें आपको एक एडिशनल स्प्लिटर दिया हुआ है जिससे कि आप ईयरफोन और स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं एक ही वायर के थ्रू अपने पीसी के साथ और PS4 के साथ। तो चलिए गाइज, इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका बॉक्स पैकेट कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है RPM Euro Games जो कि इसका कंपनी का नाम है, गेमिंग ईयरफोन है, जस्ट प्लग एंड प्ले। गाइज, इसमें आपको स्प्लिटर दिया हुआ है, आप PS4 और अपने लैपटॉप कंप्यूटर में आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और एकदम अमेजिंग स्किल्स के साथ अपने पबजी जैसे गेम को खेल सकते हैं। तो गाइज, चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके साथ क्या क्या एसेसरीज हम लोगों को मिला है ये भी हम लोग बात कर लेंगे, और प्राइस इसका कितना है और इसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो गाइज, जब तक मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ इसके पैकेट को, तब तक मैं इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। इसका माइक जो है आप डिटैच कर सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं। गाइज, ये 3.5mm जैक है, आप इसको गेमिंग डिवाइस और मोबाइल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये कंपेटेबल है विथ PS4, Xbox One, आईफोन और आईपैड, एंड्रॉयड फोन्स में सभी चीज़ों में आपको ये एडजस्ट हो जाएंगे गाइज। और ये सबसे अच्छा बात है कि ये वाटरप्रूफ है और 1 ईयर का जो है मैन्युफैक्चरिंग वारंटी दिया हुआ है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि ये कितना कमाल का जो है इसका डिज़ाइन दिया हुआ है, आप यहाँ पर कैमरा में आसानी से देख सकते हैं। और इसका कलर जो है काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी कूल है। ये ब्लू कलर में है और इसे ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके माइक को। ये माइक जो है आप इसको अटैच कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में पहले ही बता दिया हूँ। तो इसको हम लोग रखते हैं साइड में और यहाँ पर कुछ आप यूज़र मैनुअल गाइड्स भी देख सकते हैं। और ये जो मेरा स्नैपडील का जो है कैश मेमो है, ये डिलीवरी जो है आपको एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, इसमें प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और अब हम लोग जो है ईयरफोन को निकालते हैं। ईयरफोन का बड्स जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कूल है, और ब्लू कलर और ब्लैक कलर का जो है कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि यूरो गेम्स इसमें जो है ब्रांडिंग किया हुआ है। और गाइज, आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से आपके ईयर में ये एडजस्ट होंगे और कितना जो है सॉफ्टनेस के साथ आप घंटों अपने गेम्स के साथ बिता सकते हैं इसको यूज करते हुए। तो गाइज, चलिए हम लोग अभी इसको साइड में रखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या एसेसरीज इसमें दिया हुआ है। और गाइज, आप देख सकते हैं कि ईयर टिप्स दिया हुआ है एक्स्ट्रा, अगर आपका ये खराब हो जाता है या कहीं गिर जाता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक गेमिंग ईयरफोन में होना चाहिए वो है स्प्लिटर, जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर और अपने PS4 जैसे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो है इसके माइक को कनेक्ट कर दिया है और ये काफ़ी कूल लग रहा है, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ये काफ़ी अच्छा होगा। और ये जो है गाइज, ये इतना फ्लेक्सिबल है कि आप अपने मुँह के हिसाब से इसको जो है एडजस्ट करके सामने रख सकते हैं। नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा करता है ये माइक। तो गाइज, चलिए हम लोग इसको प्ले करेंगे, पबजी खेलेंगे ऑन कैमरा और उसके बाद देखेंगे कि ये कहां तक परफेक्शंस दिखा पा रही है। तो गाइज, ये ईयरफोन जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये गाइज मेरे को ऑनलाइन में 814 रुपीज़ का पड़ा है। आपको ये ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये सब चाइनीज़ प्रोडक्ट है, लेकिन पबजी खेलने के लिए जो है काफ़ी अच्छा और बजट रेंज का ईयरफोन है। क्योंकि जो महंगे महंगे ईयरफोन्स आते हैं, हेडफोन्स आते हैं, वो सब जो है 10-10 हज़ार रुपये के हैं, और जनरल एक नॉर्मल जो है आप और हम पबजी खेलने के लिए उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग के लिए ये ठीक है, अंडर 1000 रुपीज़ का जो ईयरफोन है, गेमिंग ईयरफोन है। आप देख ही सकते हैं इसके जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स जो है मैं डिटेल्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ये काफ़ी अच्छा है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ईयरफोन अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर मुझे इसके बारे में बताइए कि इसका क्या चीज़ आपको अच्छा लगा, इसका लुक, इसका ईयरफोन, इसका माइक
और गाइज ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, मुझे ये ब्लू वाला अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट कलर है ब्लू। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग बहुत इन्जॉय किए हैं। तो गाइज चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।